आचार बंद करो, बंद करो। हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर कश्मीर के अंदर जमीन जायदाद खरीदें, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम जो अनुपात वहाँ पर बिगड़ा हुआ है उसको सुधारा जा सके। देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक रहे हैं उनकी हत्याएं की गई हैं, उन पर अत्याचार किए गए हैं। शिवसेना 1990 के दशक को कतई दोहराने नहीं देगी, बिल्कुल नहीं दोहराने दिया जाएगा। प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं कि अमेरिका से सीख लें, पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। कैसे अमेरिका ने अपने तमाम आतंकवादी दुश्मनों को उनके घर के अंदर घुसकर मारा था। अब समय आ चुका है कि भारतीय सेनाओं को इजाज़त दी जानी चाहिए कि पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको सबक सिखाया जाए। गठा जी, हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदू हृदय सम्राट जिनको कहा जाता था, अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा के लिए किया था, उनके साथ नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए किया गया था, और अब वही नाइंसाफ़ी एक बार फिर कश्मीर में जन्म लेने लगी है। इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। हम बहुत जल्द कश्मीर में जाएंगे। कश्मीर में जितने भी हमारे हिंदू भाई सिख भाई वहाँ पर रह रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करेंगे। हम खुद भी वहाँ पर जमीन लेंगे, वहाँ पर रहेंगे, और तमाम देश के शिव सैनिकों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अब 370 हट चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर कश्मीर के अंदर जमीन जायदाद खरीदें ताकि ये जो बिगड़ा हुआ अनुपात है इसको सुधारा जा सके। क्या ये डेली वेजर हो जो 60,000 की तादाद के अंदर सड़कों पर है? सरकार ने किसी को सोचता हूँ कि जो यूपी के अंदर चुनाव प्रचार की तरफ ध्यान दे रहे हैं उससे ध्यान हटाकर जम्मू कश्मीर की जनता की सुध लें। कश्मीर में हो रही हिंदू की हत्याएं बंद करो, बंद करो। कश्मीर में हो रही हिंदू की हत्याएं बंद करो, बंद करो। कश्मीर में हो रही हिंदू की हत्याएं बंद करो, बंद करो। कश्मीर में हो रही हिंदू की हत्याएं बंद करो, बंद करो। कश्मीर